हमको बहुत सदमा लगा। नीतीश जी ने अपने इतिहास को खुद बनाया और वो खुद मिटाने का एक सार्थक प्रयास कर रहे हैं। सबसे पहले के सावे की धरती पर आपका चंदन है, बंधन है, सकारता में है, कलम के माध्यम से जनमानस की समस्या को उठाने का जो आप सार्थक प्रयास करते हैं, इसके लिए भी आपका हम स्वागत करते हैं। और आज धनतेरस के अवसर पर आपके उज्जवल भविष्य की कामना करता हूं। देखिए, हमने जो समझा है राजनीति, हम समझते हैं जो हमको बहुत सदमा लगा और शायद इस देश की 140 करोड़ की आबादी को भी सदमा लगेगा, क्योंकि नीतीश जी को हम 2005 से जानते हैं। 2005 से एक साल पूर्व तक उन्होंने दुनिया में एक मैसेज दिया विकास का। अब जिस क्षेत्र में जाओगे आपको नीतीश जी का व्यक्तित्व नजर आएगा, लेकिन एक वर्षों से उनके द्वारा जो स्पीच दी जा रही है, बयान जो दिया जा रहा है, वो कहीं कहीं इस देश के लोकतंत्र में विश्वास रखने वाले मतदाता को चोट लग रहा है। नीतीश जी ने अपने इतिहास को खुद बनाया और वो खुद मिटाने का एक सार्थक प्रयास कर रहे हैं। जो इतिहास के पन्ने से नीतीश जी का नाम मिटने जा रहा है, चाहे आदरणीय मांझी जी को रे तुम ताम करना, चाहे सेक्स के संबंध में इस तरह का बयान देना बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण है। हम समझते हैं कि नीतीश जी को संन्यास लेना चाहिए और संपूर्ण रूप से अपने आप को आध्यात्मिक जीवन में लाना चाहिए। जो ने तीन माने तेरह प्रत्याशी त्याग करने वाला हमारा औकाद ने है, वो कद ने है। शुरू से जब से राजनीति में आए बाहरी प्रत्याशी का विरोध किया है। हम चाहते हैं जो हमारे बेगूसराय का कोई बेटा हमारा प्रतिनिधित्व करे, जो हमारे दुख दर्द में शेयर करे, हमारे दुख दर्द का सागिर्द बने, लेकिन वहां तक हमारी पहुंच नहीं है, पकड़ नहीं है, जिस कारण हम विफल होते जा रहे हैं। शायद ऊपर वाले कभी सुनेंगे हमारी आवाज को तो शायद बेगूसराय को ऐसा मौका मिल जाए। हम तो यही चाहेंगे बेगूसराय का बेटा बेगूसराय का प्रतिनिधित्व करे। और मजबूरी में हम अपने लोकतंत्र की रक्षा के लिए पिछले चुनाव में भी विरोध किया, लेकिन नीतीश जी और मोदी जी की जोड़ी जो विकास के मामले में बिहार में एक लकीर खींचे और दुनिया में एक मैसेज मोदी जी ने दिया, जिस कारण हम लोकसभा में शिरकत करके फिर राजदा को मदद करने का कार्य किया। एकदम दिल से जब तक सांस रहेंगे तब तक हमारी चाहत रहेगी कि बेगूसराय का बेटा बेगूसराय का प्रतिनिधित्व करे। तो हम हमेशा कहते थे जो पार्टी हमारे लिए सेकेंडरी है, हमारे लिए विकास फर्स्ट है, हमारे लिए मतदाता की भावना फर्स्ट है, सेवा फर्स्ट है, मानवीय संवेदना फर्स्ट है। देश के लोकतंत्र के जो प्रहरी है उसमें 100 में 90 बेईमान है। 90 जनप्रतिनिधि को इस देश के चमन से कोई मोहब्बत नहीं है, अपने पेट से मोहब्बत है। तो ना न्यूज देखते हैं, ना अखबार पढ़ते हैं। आप लोग का जो नया जो चला है सिस्टम, उसी को कुछ देख उख के समझ बूझ लेते हैं कि देश में क्या हो रहा है। फ्लाईओवर बेगूसराय में विकास की रोशनी है, इस बात से आप इनकार नहीं कर सकते हो। आप जब बेगूसराय में कैमरा लेके घूमोगे तो आपको विकास दिखाई पड़ेंगे। हमारे पीठ के पीछे बरौनी रिफाइनरी है, आप जाके घूम लो तो
तो आपको विकास दिखाई पड़ेगा। आप फर्टिलाइजर चले जाओ तो आपको विकास दिखाई पड़ेगा। आप थर्मल चले जाओ तो आपको विकास दिखाई पड़ेगा। संपूर्ण रूप से आपको विकास दिखाई पड़ेगा। हमको लगता है अभी बेगूसराय में हजारों करोड़ का काम विकास के रूप में हो रहा है। अब फ्लाईओवर के बारे में जो हमको जानकारी मिली है आप लोगों से, तो फ्लाईओवर ट्रैफिक चौक पर बंद नहीं होना चाहिए, मॉस को ट्रेवलिंग में असुविधा नहीं हो, इसके लिए इसको कम से कम नगर निगम का क्षेत्र खातोपुर पड़ता है, खातोपुर तक जरूर होना चाहिए। ये मैं इस देश के प्रधानमंत्री जी से आग्रह करूंगा, नितिन गडकरी जी से आग्रह करूंगा, यदि संभव हो और बेगूसराय के लिए यदि एनडीए सरकार के दिल में थोड़ी सी भी जगह हो और यहां के जनप्रतिनिधि को यदि बेगूसराय से थोड़ी सी भी मोहब्बत हो तो उनको दिल्ली जाके पहल करके इसको खातोपुर तक जरूर ले जाना।